भाजपा सांसद कमलेश पासवान को बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों में डायरेक्टर बनने को लेकर छात्र संघ चौराहा स्थित पनीशिया अस्पताल के बाहर सोमवार को जमकर बवाल हुआ। आमने सामने हुए दो पक्षों के बीच तकरार के साथ ही झड़प भी हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों के से 8 लोगों को 107(16) के तहत पाबंद किया है। गौरतलब है कि हॉस्पिटल के डायरेक्टर के लिए विजय पांडे और डॉक्टर प्रमोद में काफी दिनों से विवाद चल रहा है। विवाद उस समय और बढ़ गया जब डॉक्टर प्रमोद ने सांसद कमलेश पासवान को हॉस्पिटल के बोर्ड में शामिल कर लिया, जिसको लेकर मामला एक बार फिर बिगड़ा और एक दूसरे पर अस्पताल पर कब्जे का आरोप लगाया। विवाद के बाद डीएम ने सोमवार की देर रात हॉस्पिटल को सील कर दिया। आपको बता दें कि सोमवार दोपहर में हॉस्पिटल पर कब्जे को लेकर बवाल हुआ था। विजय पांडे सहित 6 संस्थापकों ने बांसगांव में भाजपा सांसद कमलेश पासवान पर कब्जा करने को लेकर आरोप लगाया था। सांसद पर यह भी आरोप है कि वह गलत तरीके से पत्नी सहित 7 लोगों के साथ डायरेक्टर बन गए हैं। बवाल के बाद पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए 8 लोगों को पाबंद किया है। जानकारी के मुताबिक पनीशिया हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों को लेकर डायरेक्टरों में पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। एक पक्ष से डॉक्टर प्रमोद सिंह तो दूसरी तरफ से विजय पांडे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एक पक्ष के विजय पांडे और दूसरे पक्ष के डॉक्टर प्रमोद सिंह ने कहा, मेरा नाम विजय कुमार पांडे है। मैं पनीशिया लाइफ हेल्थ जोन प्राइवेट लिमिटेड का संस्थापक डायरेक्टर हूं। पनीशिया हॉस्पिटल को सांसद कमलेश पासवान के दबाव में गलत तरीके से सील किया गया है और इसके लिए हम लोग जो भी लड़ाई लड़ पाएंगे, जो भी संघर्ष कर पाएंगे, हाईकोर्ट तक जाना होगा, हम जाएंगे। यह सीलबंद बिल्कुल गलत है। हॉस्पिटल में मैनेजमेंट का विवाद है जिसका मामला NCLT में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने हमारे बाइलाज को, कंपनी एक्ट को यहाँ के प्रशासन ने देखने की ज़रूरत नहीं समझी है और हॉस्पिटल को सील कर दिया है। जिला प्रशासन और सांसद के दबाव में, सत्ता के दबाव में, उनके बाहुबल के दबाव में यह उतारू है कि हमारी पूजी जिस हॉस्पिटल को हमने 2013 में बनाया था वह हॉस्पिटल सीलबंद हो जाए या फिर कमलेश पासवान को मिल जाए। हम उसके असली शेयर होल्डर हैं, हम उसके असली मालिक हैं, लेकिन हमारे लिए कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हमको कोई न्याय नहीं, इसका शिकायत हमने सब जगह किया है। माननीय NCLT में इसका एक वाद दावी भी चल रहा है, पर जो प्रमोद सिंह फर्जी तरह से डायरेक्टर बने हैं और उन्होंने फर्जीवाड़ा करके शेयर हड़पने का कोशिश किया है, इसका वाद न्यायालय में चल रहा है। इस संबंध में हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की 2 जून को, और मुख्यमंत्री जी के आवास में मिलने के बाद मुख्यमंत्री जी ने जिला प्रशासन को, DM को और SP को फ़ोन करवा के यह स्पष्ट आदेश दिया था कि जब तक NCLT का मामला फाइनल नहीं हो जाता है तब तक कोई किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद आके कमलेश पासवान वहाँ कब्जा जमाए हुए हैं। कल वो अपने पूरे दल बल के साथ आए जब हम वो हॉस्पिटल का हिसाब किताब लेने गए थे और वहाँ से मारपीट के हम लोगों को भगा दिया गया। पुलिस उठा के हमको थाने ले आई। सर, इसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? आज माननीय सिटी मजिस्ट्रेट ने हम लोगों को बुलाया है, हमारे कागज़ पत्र के साथ हम लोग उपस्थित हैं। अगर ये लोग हमारी बात पे उचित फैसला नहीं करते हैं तो हम फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और अपनी बात को कहेंगे। मुझको, हमको माननीय मुख्यमंत्री जी के न्याय पर पूरा भरोसा है। मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद सिंह है। देखिए, ये दो पक्षों का मामला है। एक तरफ विजय पांडे, रामनिवास और बाकी कई सारे लोग हैं, ठीक है। दूसरी तरफ मैं हूँ और मेरे कुछ सहयोगी हैं। ये 2018 में इन लोगों ने हम पे एक हमला किया, अस्पताल में तोड़फोड़ की, जिसके खिलाफ़ इनके लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल है, ठीक है। मुकदमा इन पर दर्ज है, 2 मुकदमे उस समय इन लोगों पर दर्ज हुए थे। उसके बाद से ये लोग अस्पताल में तोड़फोड़ करके कुछ दिन रुके, लेकिन जब कर्जा बढ़ने लगा तो ये लोग फिर छोड़ कर भाग गए। फिर से मैं वहीं देख रहा हूँ, लगातार मैं ही देखभाल कर रहा हूँ। लोग ये लगातार मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मैं कब्जा कर रहा हूँ। जब वहीं पर मैं हुई तो कब्जा किस चीज़ पर कर रहा हूँ? कब्जा करने के लिए तो रोज़ ही आ रहे हैं। एक ही महीने में 3 बार इन लोगों ने हमला किया है। कल भी इन्हीं लोगों ने मारपीट की है, वीडियो प्रसारित हो रहा है पूरी सब जगह पे, ठीक है। जब केस लंबित है कोर्ट में तो ये रोजाना झगड़ा किस बात के लिए करने आते हैं? सर, उनका मानना कि हम डायरेक्टर हैं, जबरदस्ती तो डायरेक्टर हैं तो वहाँ से कोर्ट से फैसला लेकर आए ना कि वो डायरेक्टर हैं या नहीं है। अगर सचमुच में वो डायरेक्टर है, फैसला कोर्ट का आता तो मुझे क्या दिक्कत है? मैं को जब
प्रशासन से बड़ा है, कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं ना। जब वो फैसला लेकर आएंगे तो कोर्ट का जो फैसला होगा तो मैं मानूंगा। इससे पहले भी विवाद हो चुके हैं कई बार, तो विवाद तो लोग विवाद तो करने आते ही है रोजाना, वो इसीलिए आते ही वहाँ पे कि वह विवाद करें, डिस्टर्ब करें। मैं अपनी पूरी मेहनत, पूरी मनसा के साथ, पूरी लगन और अपना पैसा लगा के उस अस्पताल को खड़ा कर रहा हूँ, बार बार मैं खड़ा करता हूँ, ये बार बार आके डिस्टर्ब करते हैं।